नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस ट्रेन के बारे, जो कि दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक चलती है। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस सोमवार से रविवार तक दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक चलती है और सोमवार से रविवार तक एर्नाकुलम जंक्शन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक चलती है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक 12:18 के रूप में संचालित होती है और विपरीत दिशा से एर्नाकुलम जंक्शन से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन तक 12:17 के रूप में संचालित होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से सुबह 5:35 मिनट में प्रस्थान करती है और 59:55 बाद तीसरे दिन की सुबह 7:30 में एर्नाकुलम जंक्शन में पहुंचती है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक पहुंचने के लिए 3 दिनों में 43 प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरती है। तकरीबन 2761 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है तकरीबन 61 किलोमीटर पर आवर है। LSB कोच वाले ट्रेन है। अगर रूट की बात करें तो हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से अपनी यात्रा को स्टार्ट करती है, फिर मथुरा जंक्शन होते हुए आगरा कैंट स्टेशन में पहुंचती है, फिर ग्वालियर जंक्शन, फिजियल झांसी जंक्शन, भोपाल जंक्शन, भुसावल जंक्शन होते हुए मनमाड जंक्शन में पहुंचती है, फिर कल्याण जंक्शन, रत्नागिरी स्टेशन, मुड़गांव जंक्शन, भटकल स्टेशन, उपी स्टेशन, नीलेश्वर स्टेशन होते हुए ठेलाशेरी स्टेशन में पहुंचती है, फिर कोझिकोड मेन स्टेशन, सुरानूर जंक्शन, आलुआ स्टेशन होते हुए 59:55 बाद तीसरे दिन की सुबह 7:30 में एर्नाकुलम जंक्शन में पहुंचती है। खाने पीने के बारे में बात करें तो मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस ट्रेन में खाने पीने की सुविधा उपलब्ध है, जो यात्रियों को आसानी से भोजन करने की विकल्प प्रदान करती है। अगर टिकट किराया के बारे में बात करें तो मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस ट्रेन में सेकेंड एसी, थर्ड एसी, इकोनॉमी, स्लीपर क्लास और जनरल कोच उपलब्ध है। इसके अलावा एक पेंटिकार कोच भी शामिल है। तो मैं अभी आपको जो टिकट किराया बताऊंगा दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक का है। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म करें। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक AC 2 टायर का किराया है 3,705 रुपये। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक AC 3 टायर का किराया है 2,530 रुपये। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक AC इकोनॉमी का किराया है 2,745 रुपये। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक स्लीपर क्लास का किराया है 985 रुपये। और दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से एर्नाकुलम जंक्शन तक जनरल कोच का किराया है 530 रुपये। ये अपडेटेड है और सही किराया है। फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो का आगे बढ़ाते हैं और आगे की बात करते हैं। मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस कहाँ कितना समय के लिए रुकते हैं, उसका टाइम टेबल क्या है और जान लेते हैं कौन कौन सा स्टेशन आते हैं। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन स्टेशन को NZM सुबह 5:35 में मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस ट्रेन का यात्रा एर्नाकुलम जंक्शन के लिए प्रारंभ होते है। फरीदाबाद स्टेशन स्टेशन को FDB सुबह 5:52 में पहुंचती है और 5:54 में प्रस्थान करती 2 मिनट का स्टॉपेज है। मथुरा जंक्शन स्टेशन को MBZ सुबह 7:40 में पहुंचती है और 7:45 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। आगरा कैंट स्टेशन स्टेशन को AGC सुबह 8:30 में पहुंचती है और 8:35 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। मोरेना स्टेशन स्टेशन को MRA सुबह 10:03 में पहुंचती है और 10:05 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है।
ग्वालियर जंक्शन स्टेशन को GWL सुबह के 10:31 में पहुंचती है और 10:33 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। VGL झांसी जंक्शन स्टेशन को VGL दोपहर के 12 बजे पहुंचती है और 12:08 में प्रस्थान करती है, 8 मिनट का स्टॉपेज है। बीना जंक्शन स्टेशन को BIN दोपहर के 2:25 में पहुंचती है और 2:30 में प्रस्थान करती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। भोपाल जंक्शन स्टेशन को BPL शाम के 7:20 में पहुंचती है और 7:25 में प्रस्थान करती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। इटारसी जंक्शन स्टेशन को ईटी शाम के 6:20 में पहुंचती है और 6:25 में प्रस्थान करती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। खंडवा जंक्शन स्टेशन को KNW शाम के 8:58 में पहुंचती है और 9 बजे प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। बुरहानपुर स्टेशन स्टेशन को BAU शाम के 9:48 में पहुंचती है और 9:50 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। भुसावल जंक्शन स्टेशन को BSL शाम के 10:45 में पहुंचती है और 10:50 में प्रस्थान करती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। मनमाद जंक्शन स्टेशन को MMR रात के 1:13 में पहुंचती है और 1:15 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। नासिक रूट स्टेशन को NK रात के 2:18 में पहुंचती है और 2:23 में प्रस्थान करती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। इगतपुरी स्टेशन को IGP रात के 3:25 में पहुंचती है और 3:28 में प्रस्थान करती है, 3 मिनट का स्टॉपेज है। कल्याण जंक्शन स्टेशन को KYN सुबह के 5:30 में पहुंचती है और 5:33 में प्रस्थान करती है, 3 मिनट का स्टॉपेज है। पनवेल जंक्शन स्टेशन को PNVL सुबह के 6:30 में पहुंचती है और 6:35 में प्रस्थान करती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। खेर स्टेशन को KHED सुबह के 10 बजे पहुंचती है और 10:02 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। सिपलून स्टेशन को CHI सुबह के 10:26 में पहुंचती है और 10:26 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। रत्नागिरी स्टेशन को RM सुबह के 11:45 में पहुंचती है और 11:50 में प्रस्थान करती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। कंगावली स्टेशन को KKW दोपहर के 1:26 में पहुंचती है और 1:26 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। थिविम स्टेशन को THVM दोपहर के 2:30 में पहुंचती है और 2:32 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। मडगांव जंक्शन स्टेशन को MAO शाम के 7 बजे पहुंचती है और 7:10 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। कारवार स्टेशन को KAWR शाम के 5:08 में पहुंचती है और 5:10 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। उमटा स्टेशन को KT शाम के 6 बजे पहुंचती है और 6:02 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। भटकल स्टेशन को BTJL शाम के 6:48 में पहुंचती है और 6:50 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। कुंडापुरा स्टेशन को KUDA शाम के 7:38 में पहुंचती है और 7:40 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। उडुपी स्टेशन को UD शाम के 8:20 में पहुंचती है और 8:22 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। मंगलुरु जंक्शन स्टेशन को MAZR शाम के 10:35 में पहुंचती है और 10:40 में प्रस्थान करती है, 5 मिनट का स्टॉपेज है। कासारगुड स्टेशन को KGQ शाम के 11:18 में पहुंचती है और 11:20 में प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है। नीलेश्वर स्टेशन को NLE शाम के 11:49 में पहुंचती है और 11:50 में प्रस्थान करती है, 1 मिनट का स्टॉपेज है। पायानूर स्टेशन को PAY रात के 12:07 में पहुंचती है और 12:05 में प्रस्थान करती है, 1 मिनट का स्टॉपेज है। कन्नूर स्टेशन को CAN रात के 12:37 में पहुंचती है और 12:40 में प्रस्थान करती है, 3 मिनट का स्टॉपेज है। तलासरी स्टेशन को TLY रात के 12:58 में पहुंचती है और 1 बजे प्रस्थान करती है, 2 मिनट का स्टॉपेज है।
अटकरा स्टेशन स्टेशन को बीडी से रात के 1:19 में पहुंचती है और 1:20 में प्रस्थान करती है 1 मिनट का स्टॉपेज है। पुलेंडी स्टेशन स्टेशन को QLD रात के 1:39 में पहुंचती है और 1:40 में प्रस्थान करती है 1 मिनट का स्टॉपेज है। कोझिकोड मेन स्टेशन स्टेशन को CLT रात के 2:02 में पहुंचती है और 2:05 में प्रस्थान करती है 3 मिनट का स्टॉपेज है। तिरूर स्टेशन स्टेशन को TIR रात के 2:48 में पहुंचती है और 2:50 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। पाटम्बी स्टेशन स्टेशन को PTB रात के 3:19 में पहुंचती है और 3:20 में प्रस्थान करती है 1 मिनट का स्टॉपेज है। सुरानूर जंक्शन स्टेशन को SRI सुबह 4:10 में पहुंचती है और 4:15 में प्रस्थान करती है 5 मिनट का स्टॉपेज है। त्रिशूर स्टेशन स्टेशन को TCR सुबह 4:50 में पहुंचती है और 4:53 में प्रस्थान करती है 3 मिनट का स्टॉपेज है। हलवा स्टेशन स्टेशन को AWY सुबह के 6:13 में पहुंचती है और 6:15 में प्रस्थान करती है 2 मिनट का स्टॉपेज है। एनाकुलम जंक्शन स्टेशन को TRS सुबह के 7:30 में एनाकुलम जंक्शन पहुंचती है। दोस्तों इसके साथ ही मंगला लक्ष्य एक्सप्रेस ट्रेन की ये वीडियो समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं किसी और ट्रेन के बारे में हम वीडियो बनाएं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। आपका दिन शुभ हो। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।